नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गेट गुरु सपोर्ट चैनल। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त नरेंद्र गुरुवैष्णव। स्वागत है एक और नए बेहतरीन वीडियो में। आज हमारे पास आया है कैनन का 2900B प्रिंटर। ओपन द टॉप कवर एंड इंसर्ट द टोनर कार्टेज का एक एरर आ रहा है, तो आज वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, पसंद आए तो डिसलाइक करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसमें मैं आपको दो स्टेप बताऊंगा। पहले स्टेप में अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तो दूसरे स्टेप होगी। वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट बार आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पेज और FB पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको भी कंप्यूटर रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूंगा उसका वीडियो बनाकर आपको सॉल्यूशन दे पाऊं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारे पास है कैनन का LBP 2900B प्रिंटर। चलिए करते हैं इसका एक टेस्ट पेज लेके। लैपटॉप से हमने कनेक्ट कर लिया है इस प्रिंटर को और एक टेस्ट पेज ले लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इस वीडियो में हम दो स्टेप करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए, अभी हमने टेस्ट पेज दिया है और ये एरर आ गया है। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। देखिए, ओपन द टॉप कवर एंड इंसर्ट द टोनर कार्टेज, ये एरर आ रहा है। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं, लैपटॉप और सबको। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो स्टेप हैं। पहला स्टेप में अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो बेस्ट है, अगर पहले में नहीं होती है तो वीडियो पूरा देखें, दूसरे स्टेप में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन मैं आपको इसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है उसका भी पता चल जाए। सबसे पहले हमें इसका टॉप कवर खोलना है, कार्टेज को निकाल देना है बाहर। देखिए, कार्टेज भी इसका नया ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है और ओरिजिनल कार्टेज है इसका, कोई इसमें प्रॉब्लम भी नहीं है। काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि ये कार्टेज ख़राब हो गया होगा, दूसरा लगा के देख लेते हैं, नया लेके आ जाते हैं, तो आप अपने पैसे वेस्ट ना करें, ये कार्टेज सही है, दिक्कत कुछ और है। देखिए, इसको हम खोला है तो देखिए बहुत सारे इसके अंदर डस्ट है। देखिए, आप इसको थोड़ा सा फोकस कर देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी डस्ट है, और आपको मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है, देखिए इसमें कुछ कचरा भी फंस रहा है इससे। इस तरह के इसमें कचरा पड़ा रहता है काफ़ी टाइम से, प्रिंटर अगर साफ नहीं होता है तो बहुत सारे इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे इसका सेंसर लगे होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रिंटर को बाहर ले जाएंगे हम और अच्छे से इसको साफ कर लेंगे। अगर आपके पास ब्लोअर है तो ब्लोअर से कर लीजिए। ठीक है, तो अभी हमने इसको साफ कर लिया है। ब्लोवर नहीं है तो आप एक साफ कपड़े से भी इसको साफ कर सकते हैं, और जहाँ पे इसके जहाँ कनेक्ट होता है कार्टेज सेक्शन में उसको अच्छे से क्लीन कर दें। देखिए, मैंने कार्टेज को भी कर लिया है और जहाँ पे इसके जो कनेक्टिंग पॉइंट है उस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिए। आप इसके जो कनेक्ट पॉइंट है जहाँ से कार्टेज कनेक्ट होता है उस पॉइंट को अच्छे से क्लीन कर लें। पहला स्टेप आपका ये है, इसी में ही आपके 60% लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी ये करने के बाद में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो मैं स्टेप 2 भी दिखाऊंगा आपको, आप उसको भी फॉलो कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ठीक है, पहले स्टेप 1 में देखते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है नहीं होती है।
अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, फर्स्ट बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट दे दीजिए ताकि हमें और भी वीडियो बनाने में प्रेरणा मिले। देते हैं इसका एक टेस्ट पेज, क्या आ रहा है, इसका एरर सॉल्व हुआ या नहीं हुआ प्रॉब्लम। वापस सेम प्रॉब्लम आ रही है, ओपन द टॉप कवर एंड इंसर्ट द टोनर कार्टेज, वही प्रॉब्लम आ रही है। देखिए सेम एरर आ रहा है वापस। तो अगर आपके पहले स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दूसरा स्टेप बताऊंगा, स्टेप टू में भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर पहले में सॉल्व हो गई तो बहुत ही बढ़िया, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा, थोड़ी स्टेप टू में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और उससे पहले हमारे पेज को लाइक मार दीजिए, थोड़ी सी मेहनत मेरे भी काम आ जाएगी, ठीक है। अभी स्टेप टू में हम इसकी करेंगे, सबसे पहले वापस को लैपटॉप हटा देते हैं हम हमारे, ताकि हमें स्पेस मिल जाए काम करने के लिए। सबसे पहले आप कभी भी हार्डवेयर का काम करें, प्रिंटर या कोई मशीन में पावर केबल और सारी केबल निकाल दें, उसके बाद ही करें। चलिए करते हैं हम इसका स्टार्ट। हमें जितने भी इसमें स्क्रू है प्रिंटर में हमें वो खोल देने हैं बड़े आराम से, जल्दबाजी ना करें। अगर आप ये YouTube से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फर्स्ट बार आए हैं तो। Instagram और FB से अगर ये देख रहे हैं तो हमारे पेज को आप प्लीज़ फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा कोई ये वीडियो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। अगर आपको भी कोई कंप्यूटर या लैपटॉप रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूँगा उसका वीडियो बनाकर आपको सॉल्यूशन दे पाऊँ। हमने पीछे के दो स्क्रू निकाले हैं बैक पैनल के, अब इसके नीचे के जो चार स्क्रू है वो भी निकाल देने हैं। ठीक है, तो हमने नीचे के चार स्क्रू और पीछे के दो स्क्रू खोल दिए हैं। थोड़ा सा इसको खोलने में मेहनत लगेगी, पर आप इसको आराम से खोलें, लॉक से लॉक खोलेंगे तो ये इजीली खुल जाएगा। कार्टेज हम निकाल देते हैं बाहर इसका। इसका सबसे पहले हम राइट पैनल खोलेंगे, आप चाहो तो लेफ्ट भी खोल सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। देखिए इसके पीछे लॉक्स होते हैं और नीचे होते हैं और कुछ ऊपर होते हैं, चारों मतलब इसके चारों तरफ लॉक होते हैं, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप लॉक खोलना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट डाल दीजिए कैसा लगा अब तक आपको ये वीडियो। लॉक खोलते समय ध्यान रखें, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप सोच रहे हो इजीली खुल जाए ये ढक्कन, तो ऐसा नहीं है, कंपनी काफ़ी अच्छे लॉक लगाती है, इसके अंदर भी दो इसके स्क्रू है, हम खोल देते हैं अभी, हालांकि उसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी हम खोल देते हैं। काम करें तब भी आप इसके सारे स्क्रू खोल के एक बॉक्स में रख लें ताकि वो इधर उधर ना घूमे, जिनके स्क्रू काफ़ी अलग आते हैं, और जहाँ का जो स्क्रू है उसे वहीं पर लगाए, दूसरी जगह ना लगाए, प्लास्टिक की बॉडी है डैमेज हो जाती है, अंदर के लॉक लूज हो जाते हैं, तो इसलिए चलिए इसको खोलते हैं ऊपर के लॉक और इसको हल्का सा देंगे तो ये खुल जाएगा। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इतना इजी भी नहीं खुलेगा, लेकिन थोड़ा जो मैंने लॉक बताया है वहाँ से आप इसको खोल के थोड़ा झटका मारेंगे तो ये खुल जाएगा। तो हमने राइट पैनल इसका खोल दिया है,
ठीक है, तो ये भी हमारा पैनल खुल गया है। चलिए अब इसका पीछे वाला पोर्शन खोल देते हैं हम इसका। पूरा प्रिंटर हमें खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीछे का ढक्कन खोल देते हैं, नीचे से इसके लॉक होते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके आप खोलेंगे खुल जाएगा। नया प्रिंटर है तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको खोलने में, लेकिन खुल जाएगा। लॉक से लॉक खोलेंगे तो आराम से खुल जाएगा। ये इसका पीछे का जो कवर के नीचे लगा होता है, इसको हमें खोलना है स्टैंड को। वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है और भी वीडियो बनाने में। लॉक को जब भी खोले बड़े आराम से लेफ्ट राइट देख के फिर खोले और आराम से निकल जाएगा वो। ज़बरदस्ती ना करें लॉक के साथ, नहीं तो प्रिंटर में फिटिंग नहीं आएगी। रिपेयर होने के बाद में भी उसमें बहुत सारी आवाज़ आएगी, स्मूथ नहीं चलेगा। देखिए अब यहाँ पे इसका जो सेंसर होता है, देखिए ये सेंसर अभी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। आप देखिए ये नीचे गिर रहा है, ऊपर नहीं हिल रहा है, और जिसके साथ जो कनेक्टेड है वो भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। ये जो दोनों कुछ गियर को सेंसर को साथ चलना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे हैं? एक तो मैंने इसका जो स्प्रिंग है, देखिए वो स्प्रिंग प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, उसके वजह से ये नहीं चल रहा है। और दूसरा इसका ज़्यादातर लॉक हिल जाता है। तो अब इसका लॉक सही है लेकिन इसकी स्प्रिंग डैमेज हो चुकी है, तो हम इसके लिए इसको रिपेयर करते हैं। देखिए इन दोनों गियरों को साथ काम करना चाहिए, अगर एक हिलेगा तो दूसरे को भी हिलना चाहिए साथ में। तो अब ये नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी स्प्रिंग में दिक्कत है। मैं बाहर निकाल देता हूँ, आपको आराम से दिखाता हूँ। आप जब प्रिंटर खोलेंगे तब आपको दिख जाएगा इनके साथ कनेक्टेड स्प्रिंग होती है। देखिए ये टूट चुकी है और इसी कारण से ये साथ में सेंसर के साथ वर्क नहीं कर पा रहा। यहाँ पे एक स्प्रिंग होती है, छोटी सी स्प्रिंग होती है, वो दोनों को कनेक्टेड रखती है, मतलब मूवमेंट कराने में। बड़े आराम से इसको आपको निकालना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। देखें इसका लॉक कैसे निकल रहा है, उसे निकालना है आपको। बिल्कुल जल्दबाजी ना करें इस चीज़ में, अदरवाइज आपका दूसरा नुकसान हो सकता है। और ये टूट गई थी, तो अभी हम दूसरी स्प्रिंग हमारे पास पड़ी है वो लगा देते हैं। थोड़ी सी छोटी स्प्रिंग है तो मैं आपको ज़्यादा फोकस करके नहीं बता पा रहा हूँ। ये देखिए हम इसको यहाँ लगा देते हैं। सॉरी मैं थोड़ा सा आपको यह क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ, फोकस नहीं हो पा रहा इतना क्लियरली। आप ये जब खोलेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा स्प्रिंग कैसे लगानी है। देखिए अब मैंने लगा दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है।
अभी ये सीधा प्रिंटर रख दिया हमने। ये दोनों साथ में वर्क करने चाहिए। अभी ये वर्क प्रॉपर कर रहा है। चलिए करते हैं इसको पैक, फिर करते हैं इसका टेस्ट पेज। ध्यान रखें, जब तक प्रिंटर पूरा पैक ना हो तो आप कभी भी उसको चालू करने की कोशिश ना करें। कभी हो सकता है किसी वायर से, किसी और वायर से कनेक्टिविटी में आ जाए और शॉर्ट हो जाए प्रिंटर का कार्ड। हमेशा प्रिंटर को पूरा पैक करके ही करें। एक स्टेप आपका ज़्यादा होगा, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन करते हैं इसको फटाफट इसको पैक। उसके बाद हम करते हैं इसका टेस्ट पेज, क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। अगर आपकी अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूंगा एक और नया वीडियो बनाऊं, उसमें आपको और अच्छे से बता पाऊं। फटाफट इसको कर देते हैं पैक, फिर लेते हैं एक टेस्ट पेज का। थोड़ा सा इसको आराम से फिटिंग करना है। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप प्रिंटर में कोई दिक्कत आती है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप हमारे पास भेज भी सकते हैं उसे रिपेयर करवाने के लिए। इंस्टाग्राम से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी मशीन भेज सकते हैं आप हमें रिपेयर करने के लिए। लगा देते हैं इसके सारे स्क्रू वापस जैसे हमने निकाले थे, जो जहाँ का है उसे वहीं लगाना है। सारे स्क्रू जरूर लगाए ताकि इसमें वाइब्रेशन ना हो, बॉडी अच्छे से पैक हो जाए। लगा देते हैं इसके पीछे के स्क्रू। भाई लोगों, प्लीज़ कमेंट्स करें कैसा लगा आपको ये वीडियो। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, पसंद आए तो डिसलाइक करें। इंस्टाग्राम से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ भाई लोग हमें फॉलो करें। अभी हमने रिसेंटली चालू किया हमारा इंस्टाग्राम पेज। तो आप भाई लोगों का सपोर्ट चाहिएगा ताकि हम और भी वीडियो ला सकें। लगाते हैं इसका कार्टेज, चेक करते हैं क्या हमारी सॉल्व हुई नहीं हुई प्रॉब्लम। निकालते हैं इसका टेस्ट पेज। आई होप आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। मैंने टेस्ट पेज दे दिया है और उन्हें सेंड भी हो गया। देखिए टेस्ट पेज अभी कोई एरर नहीं आ रहा है और हमारे प्रिंटर से टेस्ट पेज भी आ गया है और बहुत ही बढ़िया आया है टेस्ट पेज।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो ने आपकी मदद की होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, पसंद आए तो डिसलाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। करते हैं वीडियो खत्म। जय हिंद।